हेलो दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर बैंकों ने या फिर बड़ी बड़ी NBFCs कंपनी ने ECS या फिर ACH के नाम से आपका अकाउंट खाली कर दिया है, आपकी EMI की जगह अगर ECS काटी जा रही है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं जो आज की एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई पर्सनल लोन लिया है, व्हीकल लोन लिया है या फिर किसी भी प्रकार का लोन लेके रखा है और गलती से भी उसकी एक EMI बाउंस हो जाती है, तो उसको यह जरूर पता होगा। दोस्तों, पहले EMI चेक के थ्रू लगती थी और बाउंस होने पर एक ही बार चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब ईनेट सिस्टम आ गया है जो आपके अकाउंट में महीने में 5 से 6 बार हिट करता है। मतलब अगर कोई पर्सनल लोन लेके रखा है और उसका किस्त 5 तारीख को कटती है, लेकिन उस दिन किसी कारण से उसका EMI बाउंस हो जाता है, फिर फाइनेंस कंपनी 2 से 3 दिन बाद अकाउंट में ECS फिर से हिट करता है। ऐसे करके महीने में 5 से 6 बार ECS हिट करता है और कोई कोई फाइनेंस कंपनी तो इससे ज़्यादा बार भी ECS हिट करता है। और जितने बार भी आपके अकाउंट में ECS हिट होता है, उतने बार आपको ACH रिटर्न चार्ज देना पड़ता है। इसमें कंपनी या फिर फाइनेंस कंपनी की पेनालिटी चार्ज एक बार लगता है, लेकिन बैंक हर बार ECS चार्ज लेता है। इससे आपकी पेनालिटी की बोझ बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, ECS रिटर्न चार्ज से बचने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप EMI की तय की गई तारीख पर अपना बैलेंस मेंटेन करके रखिए और हो सके तो EMI के अमाउंट के अलावा उसमें कुछ और अमाउंट रखिए, क्योंकि बैंक अपने मिनिमम बैलेंस पॉलिसी को मेंटेन रखने के लिए बोलता है। और अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो फिर कोई कोई बैंक EMI निकलने नहीं देता है और ECS रिटर्न चार्ज लग जाता है। और अगर अकाउंट बराबर मेंटेन रखने पर भी आपका पैसा काटा जा रहा है, तो आप इसका शिकायत बैंक में कर सकते हैं और फाइनेंस कंपनी का पेनालिटी चार्ज बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट दिखाकर रिटर्न ले सकते हैं। वह 100% आपका पैसा रिटर्न कर देगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।